And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. So I can't talk about me without talking about you. जी कृष्ण साहब, कैसे हैं जी? क्या हाल है आपके? खैरियत से? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी मैं ठीक। तो आप आज वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था जो आपने लास्ट टाइम कहे थे कि ट्रिनिटी पे बात होगी। अच्छा, इस पे तो बहुत दफा बात हो चुकी है मेरी। वादा वही था ना? जी नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। गालिबन आप भी उसमें थे जिसमें आसिम भाई से मेरी उस बात हुई थी। उसके बाद मेरी एक जो है ना वक्त लेके जो है वो अली रजा खुर्रम से भी डिबेट हो चुकी है इस बारे में। तो इसमें बहुत सारी बात हो चुकी है। अगर आप भी करना चाहते हो तो मुझे मसला नहीं है, मगर अगर कोई और टॉपिक हो तो हम उस पर भी बात करें, क्योंकि इसमें तो बहुत। मैं चाहूंगा ट्रिनिटी के इशू पे हमारे एक्सपर्ट बसारत भाई, क्योंकि आज है उनके होते हुए मैं किसी है वो साखी कर सकता हूँ, वो बात करेंगे। चलें, जो भी करें करें। जी बड़ा कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह। बसारत भाई जी, कृष्ण साहब क्या हाल है? खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक्सेंट से पाकिस्तानी लगते हैं, फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? जी जबरदस्त। मेरा कराची से ताल्लुक, आई गेस यू डू नो मी, या हो सकता है ना भी जानते हो तो कोई बात। अच्छा कृष्ण भाई, मैंने तकरीबन 3 के करीब स्ट्रीम्स की थी अपने चैनल पर, कन्विंस बियॉन्ड ट्रिनिटी। मैं वेट कर रहा था कोई आए कन्विंस करे, तो कोई आया नहीं, लेकिन आज आपसे मुलाकात हो गई है। तो इसी बहाने मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि देखें फ्रॉम अ फ्रेंडली साइड मैं ये बात करूँगा, जाहिर सी बात है मेरा भी कुछ क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं और मेरा भी चर्च आना जाना रहा है अपनी जिंदगी में। तो एक चीज पर मेरे और मेरे मतलब जाने वाले जो दोस्त अहबाब थे जो क्रिश्चियन फेयर थे, उनसे हमेशा इस बारे में जो है ना एक टकराव रहा है कि भाई तौहीद ठीक है या तसलीस ठीक है, या तौहीद फिल तसलीस ठीक है। तो और ये है भी बड़ी बड़ी प्राइमरी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर हमारे उनसर के हिसाब से इन्नम युशरिक बिल्लाह फकत हरम अल्लाह अल जन्ना, ये हज़रत ईसा अलैहि सलाम जीसस क्राइस्ट के अल्फाज़ है कुरान के अंदर के अल्लाह ताला के साथ जो शिर्क करेगा तो मतलब जहन्नम में जहन्नम उसका ठिकाना है। तो ये है बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हमारे एंड से। तो मैं प्रेफर करता हूँ अगर किसी क्रिश्चियन से बात की जाए तो ट्रिनिटी के ऊपर बात की जाए, और तो अगर वो कन्विंस करता है तो ठीक है, अगर हम कन्विंस कर दें उसकी तरफ तो ये तो हमारे लिए जो है सुरकोटों से ज़्यादा बेहतर। तो आपको क्या लगता है कृष्ण भाई के वाई जीसस इज अ पार्ट ऑफ ट्रिनिटी और ही इज अ गॉड? अच्छा बात ये है कि इसमें हमारा लगना तो इतना मैटर नहीं करता, जो बाइबल कहती है और जो उसमें रेफरेंसेस हैं उसको देखकर हम जो है ये कहते हैं कि वो खुदा है और ट्रिनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। नहीं तो बाइबल का कौन सा ऐसा रेफरेंस है जो ये बात? सॉरी टू इंटरप्ट बसात भाई, सॉरी टू इंटरप्ट आतिफ भाई, अगर आप वहां पर है ना मुझे बताएं यार ये टाइमर कैसे लगता है इस पे स्ट्रीम यार्ड पे? ये आपका पेड वाला वर्जन है ना? जी तो इसमें टाइमर लोगों पे जाएं देखो, यहाँ पे अगर इन्होंने टाइमर सेट कर रखे होंगे पहले के तो लोगों पे जाके देखिए। चाहे मैं देखता हूँ, आप ठीक है, आप करें बात। नहीं है वैसे ठीक है। ऑपरेशन भाई मैं ही कह रहा था कि कोई रेफरेंस अगर बाइबल के थ्रू मिल जाए तो। रेफरेंस तो बहुत सारे हैं, आप बताएं। आपने 3 स्ट्रीम्स की, एक रेफरेंस दे दें काफी हो जाए, फिर अगली बार हो सकता है दूसरे रेफरेंस पे बात कर लें। बिल्कुल, आपने 3 स्ट्रीम्स की है, आपने कोई ना कोई तो उसमें निकाला होगा, जैसे इन्होंने कहा भाई ने कि आप एक्सपर्ट हैं तो हो सकता है 3 स्ट्रीम्स के अंदर जो मैं आपको रेफरेंस जो दिखाना चाह रहा था उन 3 स्ट्रीम से 3 रेफरेंसेस दिए, हो सकता है आप उससे बेहतर कोई आपके पास रेफरेंस हो, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे बताएं आपके पास कौन सा बेहतर रेफरेंस है, उसी पे बात कर लेते हैं हम इंशाल्लाह। देखिए बेहतर रेफरेंस तो सारे ही हैं, मगर जो वही तो मैं पूछ रहा हूं, एक तो बताएं मुझे, हो सकता है मैं स्क्रीन के सामने ले आऊं। जैसे मैं आपको 2-3 मिसालें इसमें दे देता हूँ। जैसे खुदा ने ये क्लेम किया कि मैं हूँ, ठीक है, उन्होंने ये क्लेम किया, उसके बाद बिफोर अब्राहम वाज आई एम। हाँ जी हाँ जी, इस तरह के उन्होंने, ठीक है चलें आज इसी पे बात कर लेते हैं। अदर भाई इफ यू अलाउ। जी और भी मैं आपको देर में आपको प्रेजेंटेशन भी करनी हो शेयर, कोई मसला नहीं, ठीक है मैं शेयर कर देता हूं। एक ये हो गया, उसके बाद दूसरा ये मैं आपको बताऊं, इस पे भी बहुत दफा बात हुई, एक और रेफरेंस मैं आपको दूं जिस पे बात नहीं हुई है। देखें ईसाया नबी के सहीफे में 35 बाब की 6 आयत में गालिबन लिखा हुआ है कि जब खुदा आएगा तो लंगड़े चलेंगे, अंधे की आंखें वाक की जाएंगी और गूंगे जो है वो बोलने लगेंगे। जब खुदा आएगा, ये ईसाया नबी का सहीफा है 35 बाब और उसकी 6 आयत है, अगर आप खोलना चाहें। अच्छा जब गॉस्पल में यूहन्ना इस्तबागी ने पूछा कि
आने वाला तू ही है, हम किसी और की राह देखें। तो जब खुदा ने सुमसी ने उसको ये नहीं कहा कि मैं हाँ मैं वही हूँ, उन्होंने यही रेफरेंस कोट किया कि उसको जाके कह दो कि लंगड़े चलते हैं और गूंगे जो है वो बोलते हैं। तो वो जो ईसा नबी के सहीफे में जो था वो खुदा के आने का था, जब खुदा आएगा तो फिर ऐसा होगा। तो उन्होंने भी खुदा मसीह ने भी दोबारा यही कोट किया कि जी जी आपकी आवाज चली गई या मुझे आवाज चली गई कृष्ण साहब? हेलो, अभी आवाज आ रही है जी? आ रही आ रही आ रही, बेहतरीन। कौन आ गया था शायद? जी जी, तो ईसा नबी को ही उन्होंने कोट किया कि जो खुदा ने आना था बेसिकली वो मैं ही हूँ। तो हम इस तरह से भी देखते हैं, और भी बेताशा रेफरेंस है तो इस पे बताएं आपको अगर कोई। तीन रेफरेंस आप अपने दे दें ताकि मैं थोड़ा मॉडरेट कर दूं डिबेट, मिनी डिबेट समझ लें, डिस्कशन। मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट आपने इन्होंने कहा था ना कि यीशु मसीह पे ही बात कर लेते हैं ना, क्योंकि यीशु मसीह की का रेफरेंस आपने दिया। सबसे पहले आपने बिफोर अब्राहम वाज आई एम की बात की थी, शायद उसी पे ही बात कर लेते हैं। जी जी जी, तो आपको लगता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेफरेंस है? नहीं नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेफरेंस है, उसके बाद ईसा नबी। आप बात किसी पे भी कर लें, इस मैंने ईसा नबी का भी आपको बताया, ये भी खुदा यीशु मसीह की बात है, ये किसी और की नहीं है। अच्छा अथर भाई, अगर अलाउ करें तो टॉप थ्री पे आज ही बात करनी है या वक्तन फवक्तन में? चाहूंगे कृष्ण भाई आते रहे तो चले, आज एक पे बात हो जाए, पहली वाली पे, क्योंकि आज लिमिटेड टाइम है थोड़ा। जी जी जी, चले आज ऐसी भी बात कर लेते हैं बिफोर अब्राहम वाज़ आई एम। मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा अथर भाई। अच्छा कृष्ण भाई, यही है वो वर्स? जी मैं मोबाइल से हूँ, आप करें बात, आप पढ़ेंगे मुझे समझ आएगा, आप करें बात करें। ठीक है ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने वो देख लिया। हाँ जी, तो वो आगे कहते हैं कि वेयरली आई टेल यू, यकीन जानो मैं तुमसे कहता हूँ, बिफोर अब्राहम वाज बोर्न आई एम, अब्राहम के पैदा होने से पहले आई एम, मैं था, मैं हूँ, मैं होऊंगा, आई डोंट नो अबाउट इट के उर्दू ट्रांसलेशन इसकी क्या है, लेकिन अंग्रेजी में आई एम का सीगा बहुत इस्तेमाल होता है। जी, तो बिफोर अब्राहम वाज बोर्न आई एम से खुदाई का कैसे साबित होती है? ठीक है, अच्छा उर्दू के अंदर जो है ना उसका वो है मैं हूँ। अच्छा अब ये इसको भी मैं आपको बताऊँ, ये जो आपने बोला ना कि मैं था मैं हूँ, अच्छा मैं हूँ का जो है ना ये सीरा जो है वो कंटिन्यूस के लिए होता है, ये आपको पता है, आई एम ये प्रेजेंट के लिए, और खुदा के लिए टाइम के लिए कोई चीज होती नहीं है। तो ये जो ये भी बेसिकली इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ही नहीं ना, तो इसका मतलब यही है कि मैं हूँ और खुदा के लिए ना पास्ट है ना फ्यूचर है, उसके लिए तो सारी चीजें जो है वो कंटिन्यूस में ही चल रही होती हैं, क्योंकि उसको सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। तो ये वाला जो दावा मैं हूँ, तो ये एक स्पेसिफिक दावा है खुदा का, जिसके अंदर खुदा ने मूसा से कहा कि मैं हूँ। आपको पता होगा कि जब मूसा ने बोला कि जब मैं फिराउन के पास जाऊंगा तो मैं उसको क्या कहूँ, तो उसने ये मुझे किसने भेजा? बुक ऑफ एक्सोडस की बात कर रहे हैं ना, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी जी मुझे आ रही है। हाँ बस जबरदस्त हो गया ना, तो ये कह रहे हैं कि गॉड सेड आई एम हु आई एम, दिस इज व्हाट यू नीड टू से टू द इजराइलाइट्स, आई एम हैज सेंड मी टू यू, कि आई एम ने मुझे भेजा है या तुम्हें भेजा है इसराइल की तरफ। हाँ, तो इसका रेफरेंस दे रहा है, इसका पूरा पढ़िएगा, मैं हूं सो हूं, आई एम हु आई एम, एगो एम ई हा ओन। आपने ये जो यीशु मसीह ने जो गॉस्पल ऑफ जॉन में लफ्ज इस्तेमाल किया है वही इस्तेमाल किया है आई एम के लिए, जो यूनानी उसकी कोने ग्रीक की जो ट्रांसलेशन है या ट्रांसलेशन क्या कहें अगर वो ओरिजिनल वही थी स्क्राइब ने जो लिखा था, वो इगी एगो इमी का लफ्ज इस्तेमाल किया था यूनानी में। अब यहाँ पर यूनानी में वही ग्रीक में तो एगो एमी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका दूसरा हिस्सा देखें, आई एम हु आई एम, ठीक है, मैं हूँ जो मैं हूँ, सो मैं कहूँ कि मैं हूँ जो मैं हूँ सो मैं हूँ, चलो ठीक है, इसको इस तरह ट्रांसफर कर, मैं हूँ सो मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अंग्रेजी के अंदर कहा जाएगा प्रेडिकेट, एक नॉमिनेटिव होता है कि जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं हूँ बसालत आ गया, सही है, या आप कहें मैं हूँ क्रिश्चियन, ये एगो एनी का तो आ गया है। और असल जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, जिसकी तरफ प्रेडिकेट जा रहा है कि आपकी असल सिफ्ट क्या है, कि मैं हूँ क्या, व्हाट,
तो ये नहीं पूरा लफ्ज बनेगा कहां से एगो आपको? हेमी आहोन। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बाइबल से लिया है वो मैंने। ये आगे आप पढ़ें, अगर अथर्वेद की स्क्रीन को और थोड़ा चौड़ा कर दें कि जो व्यूअर्स ना देख पा रहे हो वो भी देख लें, ताकि बात खुल के सामने आ जाए। गॉड सेड टू मोसेस, आई एम हु आई एम, दिस इज व्हाट यू आर टू से टू द इज़राइलाइट्स। ये नहीं कहा आई एम हु आई एम हैज सेंट मी टू यू, कहा आई एम हैज सेंट मी टू यू। यहाँ पे लफ्ज एगो इनी आना चाहिए इसके आपके हिसाब से, कि एगो एमी ने मुझे भेजा है, आई एम ने मुझे भेजा है, लेकिन यह लफ्ज एगो एमी नहीं है, यह लफ्ज है हा ओन हैज सेंट मी टू यू। नहीं, ये आप जो ये आप पुराने अहदनामे की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, पुराने अहदनामे की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है मूसा पुराने अहदनामे में, तो नए अहदनामे में तो थे नहीं ना। नहीं मैं ये तो आप ये जो बात कर रहे हैं ये यूनानी के, ये ग्रीक के अंदर लिखा हुआ है इसका जो वर्ड है। जी हाँ ये बिल्कुल ग्रीक के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं कोने ग्रीक आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। नहीं मैं पढ़ा इस, ये तो आप जो इसको जो दूसरा लफ्ज कह रहे हैं ये तो सो मैं हूँ का तर्जुमा है ना, मैं हूँ का तर्जुमा है आई एम। मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना मेरे मेरे भाई, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुन लें आप जी, आई एम के बाद कुछ इस्तेमाल होगा ना, जैसे मैंने कहा कि आई एम बसालत, असल ये आप कैसे, ये भाई बाइबल आपके सामने खुली हुई है मेरे मेरे भाई, जिसके अंदर लिखा हुआ है आई एम हैज सेंट मी टू यू। इसको आप रिप्लेस कर लें, इसको आप थोड़ी देर के लिए रिप्लेस कर लें, गॉड हैज सेंट मी टू यू। तो गॉड के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ऑन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, द बीइंग, जिसकी यूनानी ट्रांसलेशन बनती है। आप उसको मुझे बात मुकम्मल करने दें। आई एम हु आई एम जो यूनानी जबान में इसकी ट्रांसलेशन जो है वो ये है कि एगो एमी हा ओन, अंग्रेजी में इसको कहेंगे आई एम द बीइंग, द बीइंग वो जात, मैं हूँ वो जात, किसने भेजा, उस जात ने भेजा है। तो ये जो लफ्ज हा ओन है ना, जात, खुदा की जात, वो मूसा ने यही, मूसा को खुदा ने यही कहा है कि उनसे जाके कहना कि हा ओन ने, उस जात ने मुझे भेजा है, खुदा ने मुझे भेजा है। हा ओन से एगो एमी से आप खुदा साबित ही नहीं कर सकते, वरना बाइबल के अंदर जहां आई एम का लफ्ज आया आप हवारियों को भी आपको खुदा बनाना पड़ेगा, और जिस जिसने आई एम का लफ्ज इस्तेमाल किया वो सब तो आपको खुदा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुने पहले, तो ये जो आप जो गलत चीजों को जोड़ रहे हैं ना, आप मैंने कहां से जोड़ा यार, मैं आपको बाइबल का रेफरेंस दे रहा हूं, आप चाह रहे हैं मैं आपको यूनानी भी दिखा दूं। आप मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात अच्छा सुनाइए, मैं म्यूट कर रहा हूं जी। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आई एम, सो आई एम, एगो एमी जो है उसके बाद जो आपने हकूम जो बताया है वो है सो मैं हूँ, ठीक है, आप इसका तर्जुमा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसका इसका तर्जुमा जो है वो होना चाहिए था जब खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, आप यही कह रहे हैं ना, जो लव वास्ता हुआ है। आप बात मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो अब बात ये है कि जो उसका जो जो पहला जूज है आप उसको माइनस करके आप अपनी पसंद की बात उसमें से ये ले रहे हैं कि ये वाला क्यों नहीं ट्रांसलेट हुआ जो मेरे भाई जी। मेरे भाई मैंने अपनी पसंद का नहीं लिया, मैं आपको बाइबल का रेफरेंस दिखा रहा हूँ। बाइबल पे खुदा ने मूसा से कहा है कि आई एम ने मुझे भेजा है, वो वाले आई एम तो उसने हाउन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, आई गो एमी का लफ्ज थोड़ी इस्तेमाल किया, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एगो एमी, आप चाह रहे हैं मैं यूनानी भी खोल दूं, ओल्ड टेस्टामेंट का यूनानी वर्जन खोल दूं, न्यू टेस्टामेंट का, ओल्ड टेस्टामेंट का, न्यू टेस्टामेंट तो आपको मिल जाएगी यूनानी में, ओल्ड टेस्टामेंट थोड़ी मुश्किल होती है। मैं एक मिनट, एक्सोडस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। तो आप मेरी बात सुने, अगर आप जी जी सुनो, आप दो लैंग्वेजेस के दो अलग अल्फाज को एक जगह मिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फिर आप अंग्रेजी और उर्दू के लफ्ज को एक जगह मिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये मुझे पहले तो बताएं। मैं समझ रहा था मेरे भाई, मैं आपको ग्रामेटिकली समझा रहा हूँ ना, कि जब एक आदमी आई एम का लफ्ज इस्तेमाल करता है, जैसे मैं कहूँ आई एम, तो उसके आगे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव भी इस्तेमाल होता है ना, कि आई एम क्या, मैं क्या। नहीं आप ये क्यों कह रहे हैं, आप जो आप ये कह रहे हैं कि आई एम की जगह उनको फिर और कुछ, ये आप कैसे फैसला करेंगे, मैं मुझे बिरयानी पसंद है तो ये आप कैसे फैसला करेंगे कि नहीं पुलाव अच्छा है? ये मैं फैसला नहीं कर रहा, ये बाइबल फैसला कर रही है। आप मुझे बताएं ना कि जब मूसा को खुदा ने, मेरी बात सुनिए, मूसा को खुदा ने कहा, चलें आप मुकम्मल करें अपनी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बाइबल में ये किधर है, आप मुझे इसका कोई रेफरेंस दें। अब मैं आपको, आप ना बात को थोड़ा सा ये उलझ रही है, तो मैं आपको इसको एक सीधा कर दूं। पुराने आदम में लिखा हुआ है कि मूसा ने पूछा, मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ लोगों की आसानी के लिए। मूसा ने बोला कि मैं अगर फिराउन को कहूंगा कि मुझे
भेजा है तो वो पूछेगा किसने भेजा, तो मैं क्या नाम दूंगा? उसने बोला मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, सो मैं हूँ, ये एक हो गया, इसके ये दो एक जुमले हो गए, मैं हूँ और उसके बाद सो मैं हूँ, ठीक है। अब खुदावन यीशु मसीह ने बोला कि इब्राहिम से पहले मैं हूँ, ठीक है, और पुराने आदम में खुदा ने भी बोला मैं हूँ, तो ये दोनों तो चीजें मैच हो गई है ना, और इसके लिए एगो इमी दोनों के लिए लव इस्तेमाल हुआ। अब आप जो है वो सो मैं हूँ का तर्जुमा, अगर 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 कृष्ण भाई अगर आप सिर्फ ईगो एमी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, तो ईगो एमी बाइबल में और मकामात पर भी आया जिसके अंदर आम लोगों ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ईगो एमी मैं हूँ, आई एम ट्रांसलेशन के साथ, प्रॉपर आई एम ट्रांसलेशन के, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको खुदा नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि यहाँ पे एक मिनट मुझे बात मुकम्मल कर लेते, फिर अपना पॉइंट रखिएगा, क्योंकि वहां पे है हा ओन का लफ्ज ऐड नहीं होता, इसलिए क्योंकि हा ओन स्पेसिफिकली खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मूसा से खुदा ने क्या कहा कि मुझे हा ओन ने भेजा है, मूसा से तो ये कहा ना कि आई एम हूँ आई एम, लेकिन इसराइलियों से जाके तुम्हें ये कहना है कि आई एम हैज सेंट मी टू यू, वहां पे ये कहा है हा ओन हैज सेंट मी टू यू, हा ओन ने मुझे भेजा, इसराइलियों को ये बताना है, इसराइलियों को और जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर बाद में आएंगे, गालबन उसकी तरफ इशारा है और उसके अंदर आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, कि जब खुदा की तरफ बात की जाएगी तो आई एम का तर्जुमा हा ओन से किया जाएगा, एगो एमी से नहीं किया जाएगा, क्योंकि एगो एमी के आगे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव आएगा, उसकी सिफात बयान होगी। मतलब कोई भी लैंग्वेज है उसका एक दर्द होता है बात करने का, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको शायद क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है आपको, मुश्किल नहीं, मैं आपकी बात देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, और आप जो ये बात जो ये कर रहे हैं, बात ये है कि ये बात आपकी यहां तक तो एक बात हो गई क्लियर। अब आप जो दूसरी सवाल जो उठा रहे हैं ना, 5 मिनट्स मोर, आप जो दूसरी बात ये जो उठा रहे हैं ना कि इसके अंदर जो है वो दूसरे लोगों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, अच्छा ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और इसके अंदर ना इस पैनल के अंदर आसिफ भाई ने भी और बहुत सारे लोगों ने इसको तस्लीम किया कि लफ्ज़ जो है ना ये डिक्शनरी आपको नहीं बताती, उसके डिक्शनरी आपको मायने बताती है, मगर उसको किस तरह यूज करना है वो आपका सेंटेंस आपको बताता है। ये बात आपकी ठीक है कि ईगो में बहुत सारे लोगों के लिए यूज हुआ होगा, ठीक है, मगर वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है वो देखा जाता है। इसके लिए मैं मिसाल दे दें, ये वाली मिसाल मुझे नहीं पता था, मगर ये मुफ्ती साहब ने, यासिर साहब ने ही दी थी कि रब्बुल माल, उन्होंने कहा था हाँ ठीक है, रब्बुल रब को भी कहते हैं। देखिए आपकी डिबेट हो रही ना बसात भाई के साथ, डिस्कशन चल रही है, तो दूसरों का नाम लेके जो यहाँ है ही नहीं उनका, नहीं, अच्छा चले ठीक है, मगर आप अगर ना खुदा अगर ले ये तो ना खुदा जो है वो खुदा थोड़ी होता है, वो तो जो चलाने वाला होता है कश्ती उसको कहते हैं, तो उसको आप खुदा थोड़ी बना लेते हैं, तो वो आपका कॉन्टेक्स्ट आपको ये बताता है कि आप किस लिए कहाँ क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है क्रिश्चियन साहब एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से ये ना सारा ट्रांसलेशन का मसला हो रहा है, मैं आपके सामने यूनानी खोल देता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये इंशाल्लाह मेरा आखिरी कंक्लूजन पॉइंट होगा क्योंकि अजहर भाई की स्ट्रीम है और मैं जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, तो ये देखिए, ये लीजिए अजहर भाई मेरी स्क्रीन शेयर कराइएगा। ओके आ गया, ठीक है जी, सामने आ गई मेरी। अच्छा, मेरी स्क्रीन नंबर आ रही है? ट्रांसलेशन हुआ है कि मूसेस ने, खुदा ने मूसेस को कहा कि आई एम द बीइंग, और जाके इसराइली को क्या कहना है, हा ओन अपेस तलके में परोसे मास, यानी कि द बीइंग हैज सेंट मी टू यू, द बीइंग ज़ात ने मुझे भेजा है। तो यूनानी में अगर इसको अंग्रेजी में इसका तर्जुमा किया जाए तो आई एम द बीइंग बनेगा, आई एम हूँ आई एम, इसकी क्या ट्रांसलेशन थी अल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है ट्रांसलेशन करने वालों ने क्या किया, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिक जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगी अंडर द कॉन्टेक्स्ट ट्रांसलेशन होगी, तो वहां पे हा ओन का जो ट्रांसलेशन आई है वो आई एम द बीइंग आई है रादर देन दैट आई एम हूँ आई एम, तो हा ओन का तर्जुमा जो है वो द बीइंग से हुआ। ट्रांसलेशन निकाली किसकी ट्रांसलेशन है? The Greek Old Testament. नहीं, ये किसने की भी किसने है ये इसके अंदर, और दूसरा ये कि ये ठीक है तो किसी ने सेप्टजिन ट्रांसलेशन है ना यार, ठीक है द बीइंग इसको कर दिए ट्रांसलेशन, ठीक है, तो इसके अंदर आप ये चाह रहे हैं कि अच्छा ये मैंने यूनानी ग्रीक स्पीकर्स है ना उनसे भी कंफर्म की ये बात, इवन दो देवर क्रिश्चियन बाय फेथ बट देवर एग्नोस्टिक, मतलब प्रीवियसली क्रिश्चियन थे एग्नोस्टिक हो गए थे बाद में, यूनान से उनका ताल्लुक नेटिव ग्रीक्स, तो मैंने काफी अरसा पुरानी बात है उनसे भी ये चीज़ कन्फर्म की थी
ये जो हाउन का तर्जुमा यहाँ होगा, उन्होंने कहा था कि द बींग स्पेसिफिकली जो लव है ना, द बींग वो हाउन के लिए ज्यादा फिट रहता है रदर देन आई एम हु आई एम, एगो एम ही हाउन की ट्रांसलेशन की जाए। ठीक है, मैं आपको एक चीज, जी जी, मैंने आपको पहले भी देखें बात बताई, देखें स्कॉलर्स ने जो इसका तर्जुमा किया हुआ ना, जो किंग जेम्स वर्जन है और दूसरे इंटरनेशनल हुआ उसमें और बहुत सारी उसके अंदर मुझे याद नहीं, मगर आई एम सो आई एम का है, और दूसरा ये द बीइंग का भी जो इसका तर्जुमा है ठीक है कि आई एम द बीइंग, आप ये कह रहे हैं ना इसके जो तर्जुमा है तो ये भी ठीक है, चलें मान लिया। अब आप, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, आप ये चाह रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने उनको ये कहना चाहिए था कि आई एम द बीइंग, ये आप कह रहे हैं कि उनको ये पूरा कहना चाहिए था। आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यही मसला होता, मैं आपसे ये कहूँ एक बात मिसालन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रसूल अल्लाह को जो है ना वो ये कहना चाहिए था, तो वो मैं कौन डिसाइड करूंगा कि उनको ये कहना चाहिए था, एक बात है, एक बात जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली है जी, ठीक है। ये देखें, ये एक असाथर भाई वो हटाइएगा, ये एक ग्रीक सॉरी एक बाइबल के स्कॉलर हैं सी के बैरेट, और ये ट्रिनिटेरियन स्कॉलर है, ट्रिनिटेरियन स्कॉलर है, इनकी किताब है द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन इंट्रोडक्शन ऑफ विद कमेंट्री एंड नोट्स ऑन द ग्रीक टेक्स्ट, सी के बैरेट बहुत बहुत फेमस स्कॉलर है, इनका आप सर्च भी करा सकते हैं। वो यहाँ लिखते हैं अपनी किताब के अंदर पेज 342 के अंदर, कहते हैं कि एगो एमी, यहाँ जो आई एम का सीगा है जिसकी ट्रांसलेशन अंग्रेजी में आई एम की जाती है, डज नॉट आइडेंटिफाई जीसस विद गॉड इवन टू ही इज अ ट्रिनिटेरियन क्रिश्चियन। वो कह रहे हैं कि एगो एमी वाला जो रेफरेंस है आप गॉड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जीसस के लिए, बट इट डज ड्रॉ टू अटेंशन टू हिम द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स, आई एम द वन द मस्ट यू लुक एट एंड लिसन टू इफ यू वुड नो गॉड, कि मैं खुदा तो नहीं हूँ लेकिन वो शख्सियत हूँ जो तुम्हें खुदा के करीब करेगा, यानी कि मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, जो आखिरी मसीहा तुम्हारे अंदर आना था वो मैं हूँ, तो मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, इन द इडियम ऑफ द जू आई एम द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड इडियम ऑफ द जू के अंदर मैं ला रहा हूँ, क्योंकि हम भी इस तरह एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अहले यहूद की जबान में सन ऑफ गॉड की ट्रांसलेशन की जाएगी, बात मुकम्मल करने दें, अहले यहूद के कॉन्टेक्स्ट में अगर सन ऑफ गॉड की बात की जाएगी तो वो मसीहा ऑफ गॉड में आए। ठीक है, हम इसको बात को ना थोड़ा जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहे हैं, जी जी बस इसको आगे, ये जो आपने अभी इसकी जो ये आप लेके आए हैं इसका तर्जुमा आपने ये क्या किया, अभी आप इसको पढ़े दोबारा से वर्ड टू वर्ड, ये लिखा हुआ है कि वो खुदा नहीं है या उनका ये जो इसकी लाइन है, आई एम द वन हु मस्ट लुक एट, ठीक है, एंड लिसन टू इफ यू वुड नो गॉड, वो तो खुदा ने सुमसी ने खुद कहा कि अगर तुम खुदा को जानते हो तो मुझे भी जानते हो और उसको मानते हो तो मुझे भी चीजों को मानोगे, तो इसके अंदर ये तो नहीं लिखा हुआ, ये तो आपने कोई मसला नहीं, ट्रांसलेशन कोई मसला नहीं, देखे मेरे ख्याल से आप पहला प्रेमिस, मेरे ख्याल से अगर हम दोनों गुफ्तगू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पहला प्रेमिस अगर आप सॉल्व कर लें आपको दूसरा प्रेमिस खुद ही खुद ब खुद समझ में आएगा। सी के बैरेट ये कह रहे हैं कि आई एम डज नॉट आइडेंटिफाई जीसस विद गॉड, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बात मान ली है कि जीसस से गॉड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जीसस और गॉड को एक दूसरे से मिला नहीं सकते आई एम की बेस पे, इसीलिए उन्होंने कहा कि बेस्ट पॉसिबल वे ये है कि जीसस ही कहना चाह रहे थे कि आई एम द वन द मस्ट यू लुक एट, इसको जिसको तुम्हें देखना चाहिए, इंतजार जिसको था तुम्हें, क्योंकि यहूदी इंतजार कर रहे थे कि हमारा एक मसीहा आएगा, एंड लिसन टू नो इफ यू वुड नो गॉड, कि उसकी बात सुनो अगर तुम खुदा को जानते हो, अगर तुम खुदा को मानते हो जानते हो तो उसकी बात सुनोगे, जिसने खुदा जिस खुदा ने जो है तुम्हारी तरफ पैगंबर को भेजा है, दिस व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया और मेरे सामने नजर भी आ रहा है, लास्ट पॉइंट बस अपना कंक्लूडिंग पॉइंट रखें फिर आपसे चर्चा करेंगे, टाइम हो गया तो ये तो मेरी बात शुरू हुई थी अभी, खैर मगर मैं इन कंक्लूडिंग मार्क्स इसमें ये रख दूं कि मैं स्ट्रीम करता हूँ कोई आता नहीं है वहाँ पे और फिर दूसरे की स्ट्रीम पे अब बात चाह रही है ना, अच्छा नहीं लगता ना मुझे भी, आप तो मुझे खैर टाइम दे दें हम वहाँ पे फिर उस दिन बात कर लेंगे, मगर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपको ये दे दूं कि यहूदी जो है ना वो इस बात को पूरी अच्छी तरह समझ रहे थे कि खुदावन यीशु मसीह जो क्लेम कर रहे हैं वो डिवाइन क्लेम कर रहे हैं, वो अपने आप को खुदा कह रहे हैं, ये पूरी बाइबल आप पढ़ के देख लें, और उनको जो सलीब दी गई थी वो भी इसी वजह से दी गई थी क्योंकि ये अपने आप को खुदा कहता, और यहूदियों में ब्लास्फेमी करना अपने आप को खुदा कहना है उसके बारे में कुछ कहना वो बड़ा बुरा समझते थे, और वो इसी वजह से उनको सलीब दी गई है, उनको कोई और वजह नहीं थी सलीब देने की, तो यहूदी बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे जो उनकी ऑडियंस थी।
ठीक है, ठीक है, जबरदस्त हो गया क्रिश्चियन भाई, जज़ाकअल्लाह। अच्छा, क्योंकि आपने यहाँ पे ये क्लेम कर दिया है कि यहूदी उनको खुदा समझते थे इसीलिए उनको सलीब दी गई है, ये एक नया क्लेम है, ठीक है। तो हम उन आयात पे या उन वर्सेस पे अब बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, के जहाँ पे यहूदियों ने क्लेम किया कि हम इस शख्स को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये खुदा होने का दावा कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली। और अब इससे सहमत हैं कि भाई एगो एमी की ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे गॉड नहीं ली जा सकती। मैं तो कोई सहमत नहीं, आप उसको आगे से, मैंने तो आपको पहले ही बात बोल दी है, आप अपना जो नहीं, मैंने तो रेफरेंसेस पे बात की है, मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट भी आपको दिखाया है पूरा, मैंने ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट आपको खोल के दिखाया, यहाँ पे सी के बैरेट का रेफरेंस भी दिया, ट्रांसलेशन भी दिखाई मैंने कि वहाँ पे द बीइंग जो है ना एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है रादर देन आई एम हु आई एम की, मैंने तो आपको आप ही के रेफरेंसेस दिखाए मेरे भाई। भाई आप वो देखें हर ट्रांसलेशन, इसलिए तो हर साल जिसको आप कहते हैं कि बाइबल चेंज होगी लोग रिवाइज करते हैं ट्रांसलेशन जो लोगों के पास वो बेहतर होती है। तो बात ये है कि आप जो ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं वो ठीक है, मगर मैंने आपको बोला जो हमारा जो ईगो एमी है ना वो बेसिक एक लफ्ज है, आप ये चाह रहे हैं कि दूसरा भी होना चाहिए, वो आपकी पसंद है, वो ठीक है, वो आप अपनी पसंद से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है कृष्ण साहब, आपसे नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके अवसाद भाई, आप कुछ एंड पे कहना चाहेंगे, आज जो गुफ्तगू हुई अभी कुछ एंड पे ने बात की? जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि एगो एमी के जो मैंने रेफरेंसेस दिखाए थे कि एगो एमी पे जब बात हुई थी तो डेट डजंट प्रूफ के जीसस इज गॉड, और दूसरा ये कि मूसा के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खुदा के बारे में बात की तो वहाँ पे भी एगो एमी का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ ग्रीक में यूनानी जबान में कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ऑन का, जो खुदा के बारे में रेफरेंस देता है, ठीक है। और अगर इस चीज़ को मान लिया जाए कि यसु मसीह खुदा होने का दावा कर रहे हैं तो फिर ये कंक्लूजन हमारे पास निकलेगी कि यसु मसीह जो है, जब मूसा खुदा से कहता है कि मैंने तुम्हें खुदा बनाया फिरौन के लिए और मूसा को तुम्हारा, हारून को तुम्हारा नबी बनाया, तो यहाँ ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मूसा दावा कर रहा है, अल्लाह ताला जो है तो फरमा रहे हैं ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक कि ए मूसा मैंने तुझे खुदा बना दिया, एलोहीम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहाँ, एलोहीम द गॉड बनाया है, किसके लिए, फिरौन के लिए, और हारून को तेरा नबी बनाया है। तो अगर मूसा को खुदा बना दिया तो फिर ये तो साथ साथ बिल्कुल क्लियर कट रेफरेंस आता है, लेकिन अहले यहूद इस चीज को नहीं मानते कि मूसा खुदा था, क्योंकि उनके ईडीएम के अंदर अगर किसी चीज, किसी बंदे को कोई अथॉरिटी दी जाती है तो डेट मीन्स कि उसको खुदा के लेवल, मतलब खुदा का नाम दिया जाता है तो उसको इसका मतलब होता है कि खुदा का रिप्रेजेंटेटिव, उसको अथॉरिटी दी गई, ना कि वो असल खुदा है। और यही यसु मसीह के साथ हुआ है कि यसु मसीह के फॉलोअर्स असल में ज्यूइश फॉलोअर्स थे, तो उनका उनका मसाया जो था उनके लिए खुदा की अहमियत रखता था, यानी कि इस तरह कहा जाता ना कि मर्द को कहा जाता कि औरत का जो है वो मिजाजी खुदा होता है, यानी कि अपनी बीवी का मिजाजी खुदा होता है, तो वो उनके लिए एक मिजाजी खुदा थी, जो पैगंबर उनके पास आता था वो उनका एक मिजाजी खुदा होता था। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम को ओल्ड टेस्टमेंट में तौरात, जो तहरीफ शुदा तौरात है, उसके अंदर खुदा कहा गया, एलोहीम द गॉड कहा गया, अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहां पर, एलोहीम का लफ्ज इस्तेमाल, लेकिन कोई भी यहूदी ये नहीं कहता कि मूसा अल्लाह है, नाउज़ बिल्ला। तो ये मेरे आखिरी रिमार्क से अतरबे जदा को ज़्यादा खैर, हमारे अबसाद भाई मैंने जानबूझ के इन्हीं के पास रेफर किया क्रिश्चियन साहब को, क्योंकि ही इज़ एन एक्सपर्ट और इनकी स्ट्रीम्स भी इसी रिलेटेड होती थी। फिलहाल अभी इन्होंने थोड़ा सा हॉल्ट दिया है और इंशाल्लाह आपके पास नई चीज़ें कुछ लेके जल्दी आएंगे। Yeah.